अस्सलाम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जो भी घरों में परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान कर दे, उनकी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जिनके घर में रिस्क की तंगी है, परेशानी है, रिस्क नहीं आता, अल्लाह पाक अता कर दें। कभी भी कोई भूखा ना सोए, कभी कोई तकलीफ़ में ना रहे, या अल्लाह सबकी दिली मुरादें पूरी कर दें। आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से शुरू करते हैं। हज़रत सल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शैतान को जन्नत से निकाला जा रहा था, इसने रब से कहा, तेरे बंदे को इस वक्त तक घबराऊँगा, गुमराह भी करता रहूँगा, परेशान भी करता रहूँगा, जब तक उनके जिस्म में से रूह नहीं निकल जाती। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं अपने बंदों को इस वक्त तक बख्शता रहूँगा, माफ़ करता रहूँगा, जब तक वो मुझ पर अस्तग़फ़ार पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के कलाम में अस्तग़फ़ार में बहुत ताकत है। अस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ा करें। जब आप अस्तग़फ़ार पढ़ते हैं ना, आसा सल्लम भी 70 मरतबा रोज़ाना अस्तग़फ़ार पढ़ते थे। आप भी अस्तग़फ़ार पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह देखिएगा, अस्तग़फ़ार पढ़ने से घरों में परेशानियाँ भी ख़त्म होती हैं, रिस्क जौन सा है उसकी कमी होती है तो वो भी पूरी हो जाती है। अल्लाह पाक बेपनहा रिस्क अता फरमाते हैं। आज का जो अमल मैंने आपको बताना है वो या रज़ाकू है, ठीक है, रज़ाकू, ठीक है, रिस्क का ही है। अब आपने इसका एक ख़ास तरीका मैं आपको समझाऊंगी, आपने उसी ख़ास तरीके से इसको करना है। ये जो अमल आज मैं आपको बताने लगी हूँ, ये बहुत जो अमीर लोग हैं, अल्लाह के बंदे हैं, जिनके पास बेहिसाब रिस्क है ना, ये उनका अमल है। ये अमल साल में एक मर्तबा किया जाता है। ये अमल इतना अमीर कर देता है कि वो अरबों का मालिक बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह गैब से जितने बड़े अल्लाह पाक हैं, जितना अल्लाह पाक का दिल है, तो अल्लाह पाक से उतनी ज़्यादा मांगना चाहिए ना, तो फिर अल्लाह पाक से ज़रूर मांगे। ये अमल करते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि वक्त कोई भी हो, पर दिन मंगल का हो। फकत दिन के 10 बजे का भी रखेंगे तो बेहतर है, लेकिन दिन मंगल का ही रखिएगा। दिन के वक़्त ये अमल कीजिएगा। दुरूद पाक 3 बार, नमाज लाजिम है, 70 बार या रज़ाकू को पढ़ना है। अब गौर से अमल को समझें। अमल समझने का ही सारा मसला है। गलती आप अमल में करते हैं तभी तो वो कामयाब नहीं होते। अरबों का मालिक कैसे बना उस भाई ने, ऐसा क्या अमल किया कि वो आज अरबों का मालिक है? सिर्फ उसने ये अमल किया। जो तरीका समझाऊंगी वो करें। ये नक्श बनाना है आपने। नक्श के नीचे 3 मर्तबा नो लिखना है, ठीक है, नो लिखना है। ये नो लिखा हुआ है, 3 मर्तबा नो लिखना है। अब आपने ये नक्श बना लिया, ठीक है। अब आपने 7 दाने जो के, चावल के नहीं, चीनी के नहीं, जो के दाने, 7 दाने जो के, इन 7 खानों में रखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 खाने हैं। इन 7 खानों में ये जौ के जो दाने हैं ना, आपने इन 7 खानों में रख देने हैं। अब आपने ये जब 7 ये एक नक्श बना लें, जो इस तरह ही जीम वाओ ही लिखना है, और 7 जौ के दाने इनके अंदर लिखने हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। आपको जैसे समझाऊं वैसे कीजिएगा। अब आपने इन 7 दानों के ऊपर या रज़ाकू पढ़ना है 70 बार, 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 70 बार या रज़ाकू पढ़ें, उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद आपने क्या करना है, इन दानों को और नक्श में लपेटना है। इन 7 दानों को इसी नक्श में लपेटेंगे, इसी नक्श में लपेटेंगे। जिन लोगों के पास रिस्क नहीं है और वो चाहते हैं सारा साल फरिश्ते उनके लिए दुआ भी करें, रिस्क भी लाएं, सारा साल उनको बीमारी ना लगे, परेशानी ना हो, कारोबार में लॉस ना हो, नजरे बद ना लगे, कोई उनके ऊपर काला जादू ना कर सके, तो ये 7 जो के दाने हर किसी के पास होने चाहिए। ये कोई झूठा बयान नहीं है, ये कोई झूठी बात इसमें नहीं है। कोई मैंने आपको नहीं कहा कि आज
आज इसको करेंगे तो अरबों मिल जाएंगे, दूसरे दिन ही अरबों करोड़ों, नहीं। अल्लाह के कलाम की ताकत से मैं मुनकर नहीं, लेकिन समझने की बात है कि अल्लाह पाक से जब हम मांगते हैं तो अल्लाह पाक अता करते हैं। आप यकीन माने कि आप ये अमल एक दफा करना है, जो 7 खानों में रख के इस नक्श में लपेट के जो के दाने अपने पर्स में या बटवे में रख लें, सिर्फ छोटा सा नक्श बनाएं, बिल्कुल छोटा सा, गुम ना हो जाए बस। साल में जिस दिन ये गुम हो गया उस दिन मतलब कि खत्म, इसके दोबारा बनाएंगे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब तो माशाल्लाह इतने प्यारे दिन भी हैं, हज के दिन है, तो अब बनाएं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो जाएंगे। तो आपने ना ये पर्स या बटवे में रखने हैं, ये लिखना। अब ये मैंने बनाया है एक जार, शीशे का जार ले लें, जार कहते हैं डब्बे को जिसमें मतलब के पानी हो, एक डब्बे एक डब्बा पानी का लें जो एयर टाइट, मतलब कि जो ऊपर से इसका ढक्कन भी हो और कस से बंद भी हो जाए, ठीक है, जो बहुत जोर से आप इसको बंद करें तो वो भी। अब ये नक्श समेत 7 दाने जो के इसके अंदर रख लें, उस घर में बीमारी नहीं आएगी, काला जादू नहीं होगा, नजरे बद नहीं कभी लगेगी, कभी उसके कारोबार में, उस घर के कारोबार में कभी तंगी नहीं आएगी, बेहिसाब रिस्क आएगा। अरब के लोग जो उनसे थे ना, वो ये अमल करते थे, जो के दाने पढ़ के, अल्लाह का कलाम पढ़ के, ये जो उनसे है ना, इस तरह डब्बे में डालकर रखते थे। अब डब्बे में जब आपने डालना है, पानी में छोड़ना है, याद रखे पानी में छोड़ के ना इनको अंधेरे वाली जगह पे रखना है, रोशनी में नहीं रखना, किसी की नजर ना पड़े, अंधेरे वाली जगह में रख कर ना आपने पूरा साल रिस्क लेना है ना, तो फिर पूरा साल इस दानों को नहीं देखना। इस नक्श में भी जब दानों को कैद कर देंगे ना, जो के दानों को कैद कर देंगे, तो इस नक्श को भी खोलकर नहीं देखना, याद रखें। ये तो खुला नक्श, फिर आपका काम खत्म हो गया, आपने नुकसान आपका है, ठीक है, ये अमलियात है। अब आपने जब ये सब चीजें कर ली, फिर रात को, एक दिन का अमल है, एक दिन में ये सारा कर लें, जो के दाने आप जो उनसे हैं इनको पढ़कर, जैसे मैंने बताया है, पानी में भी रख सकते हैं, या रज़ाकु 70 मरतबा पढ़कर आप इसको पर्स में, बटवे में भी रख, जिस बटवे या पर्स में ये जो के दाने नक्श समेत होंगे, वो नक्श समेत जो बटवे के अंदर पैसे, और कभी जिंदगी में उसका पैसा खत्म नहीं होने वाला, पैसे खत्म हुए और गैब भी आएंगे, गैब भी कहते हैं ना, अल्लाह पाक पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है, इसी तरह आपको इसके आपके पर्स से ना, जो आपका बटवा है ना, उसमें रिस्क आएगा, याद रखें। और एक दफा ये अमल करें, एक दफा अमल करें, किसी को अमल नहीं बताएं। आप जब अमल करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, आपका अमल खराब हो जाता है, दूसरों का कामयाब हो जाता है। पहले खुद कामयाब हो, फिर दूसरों को समझाएं, ठीक है। तो ये पानी वाला जो सा है, ये भी आपने पूरा साल के लिए डब्बे में डाल के पानी पाक साफ करके तो ये रख देना है, ठीक है। आप यकीन माने कि आपका रिस्क अल्लाह पाक की जात इतना बढ़ा देंगे कि आपकी सोच है, अरबोपति आपको कर देंगे, घर हर चीज आपके पास होगी, गाड़ी होगी, जदाद होगी। अगर आप चाहते हैं ना कि बेहिसाब अल्लाह पाक आपको रिस्क दे, आप ये वाला अमल जरूर करें, ये वाला अमल बहुत खास है। और ये मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए है, इसको समझें, समझ के पहले 10 दफा बेशक मेरी वीडियो देखें, पहले समझें, लिख लें, लिखने के बाद ये अमल करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ अपनी बहन को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, या अमल करवाना चाहते हैं, या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें जरूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा, और मसला बयान, ये चीजें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं, जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम जाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना जाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती, जज़ाकअल्लाह।